दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल लीड न्यूज में। मैं हूं आप सबका शुभम सिंह और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस में जिनका नाम शुमार होता है, हमारी भोजपुरी की क्वीन जिनको कहते हैं, यानी कि बहुत ही खूबसूरत आम्रपाली दुबे जी। आम्रपाली जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है लीड न्यूज में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच शुभम, मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं फिलहाल आपके चैनल के माध्यम से, वो भी एकदम स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आज एक बहुत जबरदस्त ट्रेलर आप लोगों के द्वारा हम लोगों को देखने को मिला, जो अपकमिंग फिल्म है आपकी आशिकी, उसका ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत अभिनय देखने को मिला आपका और बहुत अच्छा भी लगा, बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं आप। एंड क्या अभिनय किया आपने, मैं जितनी तारीफ करूं कम है। क्या कहना चाहेंगे आशिकी को लेकर? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इतना तारीफ कर रहे हैं और मैं सभी लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्हें ट्रेलर इतना पसंद आ रहा है, वो समय निकाल के ट्रेलर देख रहे हैं, दे आर एक्चुअली कमेंटिंग एंड लिख रहे हैं कि उनको पसंद आ रहा है ट्रेलर, सो दैट रियली बूस्ट्स अप माय कॉन्फिडेंस। यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग काम की तारीफ करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रही हूँ लोगों के रिएक्शन से जी। और हमने इसी के लिए बहुत मेहनत की थी और अब लग रहा है कि वो मेहनत सफल हो रही है। एंड रियली बताऊं, जेन्युइनली तो यू डिजर्व इट, आप उस काबिल हैं एंड लोगों का प्यार तो हमेशा आपके साथ है ही। आशिकी फिल्म में बताएं मैम कि आशिकी फिल्म में जब शूटिंग चल रही थी उस माहौल में सबसे खास आपके लिए कौन सी चीज थी? आई थिंक हम लोग जिस लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे, वी वर शूटिंग इन प्रयागराज, तो हम लोग को शूट के दौरान ही मुझे खेसारी जी को, हम लोग को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी और हम लोग को लगता था कि फिल्म के साथ कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा। हर तरफ हम लोग को ऐसा लगता था कि हमारे साथ एक यू नो एक सुप्रीम पावर पूरे समय पे साथ में मौजूद है और इस वजह से हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी सेट पे पहले दिन से ही। जी जी। एंड अब समझ में आ रहा है क्यों आ रही थी, क्योंकि पक्का भगवान ने चाह लिया होगा कि इसे क्या बात है, अच्छा करना है, बड़ा करना है। जी जी। तो जब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि उस लोकेशन पे शूट करके हमें इतना पॉजिटिव क्यों फील हो रहा था। क्या बात है। एंड जो इस फिल्म में आपके साथ लीड करने वाले हैं एंड ट्रेलर में भी हम लोगों को देखने को मिला, यानी कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना कोऑपरेशन मिलता है सकते खेसारी जी से? खेसारी जी को अगर मुझे कभी एक एक ही शब्द में उनका वर्णन करना होगा तो मैं उनको सिर्फ एक बात उनके लिए कहूंगी, मेहनती। क्या बात है? वो इतनी मेहनत करते हैं ना, जेन्युइनली ही इज अ वेरी वर्कहोलिक पर्सन। मतलब मैंने तो उन्हें देखा है, वो अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करके शोज भी करते हैं, एल्बम्स भी करते हैं, फिल्म की शूटिंग भी करते हैं। क्या बात है। तो उनके साथ काम करके, उनका वर्क डेडिकेशन देखकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हुआ और मुझे लगा कि हर आर्टिस्ट को इतना ही डेडिकेटेड होना चाहिए अपने काम के प्रति। और मैंने उनसे यही सीखा आशिकी के सेट पर कि चाहे आपको अपनी पर्सनल यू नो अपने पर्सनल लग्जरीज आपको कितना भी गिव अप करना पड़े, आपको अपनी मील गिव अप करनी पड़े, आपको ट्रैवल करके थोड़ी मेहनत करनी पड़े, चाहे जो भी हो, बट आप अपने काम के साथ कभी ये मत करिए, यू नो काम को सेकेंडरी मत रखिए। ये मैंने सीखा है खेसारी जी से एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। बहुत ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी ड्यूरिंग द शूट और यू नो कभी कभी होता है ना कि किसी हीरो को कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि अरे यार अब ये हमको बताएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उनमें। मतलब बहुत सारी, मैं बहुत ही ओपिनियनेटेड लड़की हूँ, मैं अपना मुझे जो चीज महसूस होती है हमेशा बोलती हूँ, तो मुझे कभी शॉट में या किसी डांस स्टेप में कुछ चीज ऐसा लग रहा था कि कुछ हम दोनों सही नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे इसके बारे में जरूर डिस्कस करती थी एंड ही वाज वेरी ओपन टू ओपिनियंस और बहुत हेल्दी तरीके से रिएक्ट करते थे। सो आई थिंक या दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड अ लॉट। क्या बात है। एंड एक जो मेन जो टॉपिक है जिस पे मुद्दे पे मैं चर्चा करूंगा कि इस फिल्म में अनटचेबिलिटी, छुआछूत को लेकर बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, तो क्या आम्रपाली दुबे जी आज भी आपको लगता है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसी चीजें होती हैं या नहीं?
सी समटाइम्स हम लोग जहाँ से खड़े होके देखते रहते हैं ना शुभम दुनिया जी. को, वो जगह बहुत अलग होती है, और कोई दूसरा व्यक्ति जहाँ से खड़े होके दुनिया को देख रहा है वो बहुत अलग जगह होती है. हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से जब वर्ल्ड को देखते हैं जी तो हमें सब कुछ अपने ही घर जैसा हमें बाकी सब कुछ भी लगता है. जी बट जेन्युइनली ऐसे लोग शायद आज भी होते होंगे, यू नो, जिनके हाथ से लोग पानी नहीं पीते होंगे या ऐसी सारी चीजें उनके साथ होती होगी. आई एम प्रिटी श्योर ऐसे आज भी लोग होंगे. जी मैंने पर्सनली कभी ऐसे किसी को देखा नहीं या किसी के साथ ऐसा बिहेवियर होते हुए मैंने अपने सामने नहीं देखा. बट यू नो, कहीं ना कहीं मे बी शायद इट इज स्टिल हैपनिंग, मे बी शायद अभी भी ये होता होगा. ओके एंड जब मैंने फिल्म किया तब मुझे एक्चुअली पता चला कि जी किस किस लेवल पे, अगर आज से चलिए 25-30 साल पहले भी ये अनटचेबिलिटी वाली बात रही होगी जी तो उस समय पर भी किस किस लेवल पे इंसान टॉर्चर हुआ होगा, और उसको कितना, मतलब कितना कितना बुरा महसूस किया सही होगा बात है. व्यक्तियों ने. तो ये हमें हमें शूटिंग के दौरान रियलाइज हो रहा था. एंड और तब फिल्म की शूटिंग के दौरान हमको हमारे संविधान पर भी और ज्यादा भरोसा हो गया, और ज्यादा गर्व हो गया, और बहुत खुशी है कि हम डेवलपिंग भारत में पैदा हुए हैं और जी हमको ऐसा अब देखने को नहीं मिलता है, कम से कम हमारे इर्द गिर्द. और अगर कहीं ऐसा हो रहा होगा तो वहां से भी खत्म हो जाए. मैं बस यही प्रे करती हूँ. वाह क्या बात है. एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछूंगा आपसे कि लाइक जब आप मॉर्निंग में उठते हो एंड जी सडनली आपसे किसी ने बोला लाइक आशिकी, देन सबसे पहला चेहरा आम्रपाली दुबे जी के सामने किसका आता है? चेहरा, जी आई थिंक जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही माइंडसेट से उठती हूँ कि मैं जी उठ गई हूँ और शिट मुझे लेट नहीं होना है, मुझे सेट पे पहुंचना क्या है. बात तो है. आई थिंक सबसे पहला पहली जो चीज मेरे जहन में आती है आशिकी सुन के, इट इज माय वर्क, इट्स जी माय वर्क प्रोफाइल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ, ऑब्वियसली आफ्टर माय फैमिली, मेरे जी परिवार के बाद. तो आई थिंक अगर प्यार, आशिकी, मोहब्बत, ये सब चीजों से मुझे किसी की तुलना करनी होगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम की करूंगी. बिकॉज क्या बात है. आशिकी मतलब पैशनेट तरीके से किसी चीज से प्यार करना, और वो मैं अपने प्रोफेशन से ही करती हूँ बहुत ज्यादा. वाह. तो आम्रपाली दुबे जी, एक आपको मैं कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूंगा बिकॉज आपका एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग जिसका नाम है राते दिया बुता के, वो 500 मिलियन क्रॉस कर चुका है विद पवन जी, माय गॉड, तो कितनी वाह, खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, जी बहुत ज्यादा खुश हूँ. और मतलब उस गाने को इतना लोगों ने प्यार दिया है. ऑब्वियसली पवन जी की आवाज तो वैसे ही क्या एकदम बात है. जादू कर देती है, एकदम एकदम बट उसके उस वीडियो सॉन्ग को भी लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया. सो आई एम रियली ओवरवेलम्ड एंड वेरी टच्ड. बहुत साल पहले किया था हम लोगों ने गाना ये, और आज भी उसका मतलब एवरी डे उसका व्यूज बढ़ते ही जा रहा है. जी तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है ये देखकर. बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी भोजपुरी की क्वीन हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे लिए बहुत ही खास बात है. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने हमको थैंक टाइम दिया, यू. इतना वैल्यूएबल टाइम. अब जाते जाते ये जरूर बताएं दुबे जी की अपकमिंग फिल्में पवन जी के साथ, निरहुआ जी के साथ देखने को मिलेंगी कि नहीं, और भी बाकी सारे कलाकार हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत सारी जी फिल्में हैं अभी मैं कर रही हूँ. मैं फिलहाल फसल मूवी की शूटिंग कर रही हूँ त्रिवेश जी के साथ, जी और अभी अगले महीने से मैं खेसारी जी के साथ डोली सजा के रखना की शूटिंग कर रही हूँ. क्या बात है. और जी, उसके बाद दो सोलो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म भी कर रही हूँ. उसके बाद बहुत सारी फिल्में प्लान्ड है पवन जी, खेसारी जी, दिनेश जी, सबके साथ, क्या और बात है. कुछ न्यू कमर्स के साथ भी फिल्म्स प्लान्ड है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, भगवान करे सारी फिल्में लोगों को अच्छी लगे. इसका मतलब अगर क्लियरली कहें तो आम्रपाली जी बहुत बड़े बड़े धमाल लेके आने वाली हैं, सो बी रेडी फॉर दैट. बहुत ही यस मजा होने वाला है. प्लीज. एंड एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है, एंड जो भी हमारे लोग देख रहे हैं आप भी जरूर कहें आम्रपाली दुबे जी से कि अगली बार जब मैं मुंबई में आऊं तो आम्रपाली दुबे का जी जी का लाइव इंटरव्यू हो साथ में बैठ के. जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अगली एकदम बार जब भी मुंबई आएंगे प्लीज मुझे बताइएगा, और अगर स्केड्यूल मैच होंगे तो हम जरूर लाइव इंटरव्यू भी करेंगे साथ में. एकदम थैंक यू सो मच शुभम जी, थैंक्स अ लॉट, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर यू.
थैंक यू सो मच, बाय बाय।